यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। योर मैजेस्टी, 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है, हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। साथियों, हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार बी टू बी के साथ साथ पी टू पी भी है। बी टू बी यानी भारत टू भूटान और पी टू पी यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। भारत और भूटान यहां के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है। भारत ने और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है, वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। मैं आपको यह भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेफू से कोकराजार, सामची से बनरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों, हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। हमारे B2B संबंध बुद्ध और गुरु रिम्पोन्से से जुड़े हैं। हमारे B2B संबंध हिमालय और पवित्र नदियों से जुड़े हैं। इसी तरह हमारे P2P संबंध भी हजारों वर्षों का अपनापन है और अब तो हजारों लोग जिन तक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का लाभ पहुंच रहा है, जिन्हें कृषि और पशुपालन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, दामचू चुखा रोड से जिनका जीवन बदला है, ये बच्चे एजुकेशन प्रोग्राम से जिनका भविष्य संवरा है, थिम्पू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल से जिन्हें स्वस्थ जीवन मिला है, वे सब साथ ही अब भारत भूटान के P2P संबंधों का नया आधार बने हैं।